पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत को गलवान में शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए शुक्रवार को शहीद स्थल या गांधी मूर्ति के नीचे बैठने की अनुमति जिला प्रशासन ने नहीं दी। प्रशासन ने 28 जून को पूरी हो रही उनकी क्वारंटाइन अवधि से पहले ही है इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा कि उनके नागरिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी नेताओं और प्रदेश संगठन को भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में शहीद भारतीय सैनिकों की स्मृति में शुक्रवार को श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसके मद्देनजर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गुरुवार को जिलाधिकारी को पत्र भेजकर उक्त अनुमति चाही थी। पत्र में उन्होंने कहा कि वह अकेले ही शुक्रवार को शहीदों की स्मृति में सुबह 11 से 12 बजे तक बैठेंगे, इसके तत्काल बाद घर लौट जाएंगे। जवाब में उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह बनवाल ने उनके विशेष कार्य अधिकारी चंदन सिंह जीना को पत्र भेजकर स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया। पत्र में कहा गया कि क्वारंटाइन अवधि पूरी होने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई उचित रहेगी।